हरिओम, नमो नमः। आप सभी का बीएचयू पाठशाला में स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। जैसा कि हम लोग अपने प्रश्नोत्तरी का क्रम देख रहे हैं, चल रहा है प्रश्नोत्तरी हमारी, उसी क्रम में आज हम लोग फिर से अपना आगे का अभ्यास करते हैं। तो आगे का अभ्यास ये जो आपको पीछे दिख रहा होगा, हम लोग अपना अभ्यास शुरू करने से पहले एक बार भगवान को याद कर लेते हैं, पार्वती सरस्वती को याद कर लेते हैं। भगवती चूंकि विद्या की देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, उनका स्मरण कर लेते हैं ताकि बुद्धि कोमल हो जाए। भगवान शिव का ध्यान कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से मंगलाचरण करते हैं। वागर्थायुषम पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस प्रकार से हम लोग भगवान शिव का कर लिए हैं, मंगलाचरण हो गया। अब हम लोग आगे अपने कार्यक्रम पे चलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा होगा, ये गत वर्ष का पेपर है और इसको मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। ये गत वर्ष का जो पेपर है ये आपके लिए लेकर आया हूँ। किस प्रकार से सीबीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पहले तो 25 प्रश्न होते थे फर्स्ट पेपर के, और बाकी फिर होते थे 75। आपका जो डोमेन रहता है, जो सब्जेक्ट रहता था, उससे होता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, वर्तमान में जो फर्स्ट पेपर से प्रश्न आता था, वो फर्स्ट पेपर का जो प्रश्न है वो समाप्त हो गया है, अब नहीं आएगा। अब केवल डोमेन आपका आएगा। माने यदि आप संस्कृत से दे रहे हैं, हिंदी से दे रहे हैं, अंग्रेजी से दे रहे हैं, उर्दू से दे रहे हैं, इस प्रकार से यदि आप किसी पेपर दे रहे हैं, तो केवल और केवल उसी से आपका 75 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। एग्जाम में केवल वही क्वेश्चन आपका आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने प्रश्नोत्तरी पे चलते हैं। चलिए आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम लोग का जो प्रश्न है, ठीक है, पहला जो प्रश्न हम लोग शुरुआत करते हैं, पहला प्रश्न क्या है कि ऋग्वेदे कति मंडलानि सन्ति, ठीक है, माने ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, इसका आपको आंसर बताना है। तो अष्टादश मंडलानि माने 18 मंडल है, कि अष्ट मंडलानि 8 मंडल है, अथवा 10 मंडलानि 10 मंडल है, अथवा चतुर्दश मंडलानि 14 मंडल है, ठीक है। आपको बताना है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वेद कितने हैं, ठीक है, वेद कितने हैं, तो वेद सभी लोग जानते हैं कि वेद 4 हैं, ठीक है, माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद, ठीक है, ये 4 वेद हम सभी लोग जानते हैं कि 4 वेद हैं। अब इन 4 वेद में जो पहला वेद है ऋग्वेद, ठीक है, एक नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछ रहा है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में आप सभी लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या क्या है, तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10 मंडल है। कितने हैं? 10 मंडल है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हुआ? 10 मंडल है, ठीक है। ऋग्वेद को मंडलाक्रम और अष्टक्रम दो में बांटा गया है, ठीक है। ऋग्वेद को एक तो मंडल क्रम में बांटा गया है, ठीक है, एक मंडल क्रम में बांटा गया है और दूसरा अष्टक क्रम में बांटा गया है, ठीक है। किसमें? तो अष्टक क्रम में, ठीक है। ये आप सभी लोग जानते हैं, जब हमने जो हम लोग का लेक्चर चल रहा था, जो पेड क्लासेस में है या अन्य जो यूट्यूब पे जो फ्री वीडियो है पीवाईक्यू वाला, उसमें भी मैंने बताया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो सही आंसर है कि ऋग्वेद कति मंडलानि सन्ति, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक दूसरा प्रश्न यहाँ है, आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन है। प्रश्न क्या है कि यजुर्वेदस्य ब्राह्मणम अस्ति, माने यजुर्वेदस्य ब्राह्मणम अस्ति, यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या है। प्रश्न यह है कि यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या है। इसके जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में है जैमिनीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और ताड्य ब्राह्मण, ठीक है। ये आपका 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। प्रश्न पूछ रहा है कि यजुर्वेदस्य ब्राह्मणम अस्ति, यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो क्या है? शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, ये इसका सही आंसर है। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद का है, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है, ताड्य ब्राह्मण ये भी सामवेद का है, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि तल्वकार आरण्यकम केन वेदेन संबंधम अस्ति, ठीक है। माने तल्वकार जो ब्राह्मण है वो किस वेद से संबंधित है, ठीक है। तल्वकार आरण्यक, क्षम्यताम, तल्वकार आरण्यक। देखिए प्रश्न कैसे पूछ रहा है,
जब हमने अपना सिलेबस देखा होगा तो उसमें जो पहली इकाई है वेद की उपाय, ठीक है, वेद की इकाई, ठीक है, संहिता इकाई है, तो उसमें लिखा है कि उसमें वेद पढ़ना है आपको, ठीक है, उसमें ब्राह्मण पढ़ना है आपको, उसमें आरण्यक पढ़ना है आपको, उसमें उपनिषद पढ़ना है आपको, ठीक है, इस प्रकार से उसमें है। तो वेद में चार वेद है, चार में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब चारों वेद में से किसी भी वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछ सकता है, आरण्यक पूछ सकता है, उपनिषद पूछ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को अपनी तैयारी करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कहां थे? हाँ, हम लोग थे कि तलवकार आरण्यकम केन वेदेन संबंधम अस्ति, माने तलवकार ब्राह्मण जो है वो किस वेद से संबंधित है। तो आपको बताना है सामवेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से अथवा अथर्ववेद से, ठीक है। तो तलवकार आरण्य किस वेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सामवेदेन, ठीक है, सामवेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक प्रश्न और है कि वृहदारण्य उपनिषद केन वेदेन संबंधो अस्ति, ठीक है। एक प्रश्न है कि बृहदारण्य उपनिषद जो है, बृहदारण्य उपनिषद, ठीक है, यहाँ नीचे लिखा है, आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे, खैर कोई बात नहीं, ऐसे प्रश्न मान लीजिए, बृहदारण्य जो उपनिषद है वो किस वेद से संबंधित है, ठीक है। तो आपको बताना है कि बृहदारण्य जो उपनिषद है वो किस वेद से है। ऑप्शन में है शुक्र यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो बृहदारण्य जो उपनिषद है वो शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है। और शुक्ल यजुर्वेद का एक और उपनिषद है, वो है ईशावास्य उपनिषद, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि सर्वप्रथम वेदांगा नाम क्रम पूर्वकम नामोल्लेख प्राप्यते, ठीक है। माने जो वेदांग है उन वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में हुआ, या मतलब क्षम्यताम कहाँ पे हुआ, उनका नाम उल्लेख कहाँ पे हुआ, ठीक है। तो वेदांग कितने हैं? आप सभी लोग जानते हैं वेदांग छह हैं, ठीक है। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग छह हैं। कितने वेदांग हैं? वेदांग छह हैं, ठीक है, छह वेदांग हैं। अब छह वेदांग में क्या क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कि छंद है, व्याकरण है, कल्प है, ज्योतिष है, निरुक्त है, इस प्रकार के जो छह वेदांग है, छह वेदांग। तो कह रहा है कि जो छह वेदांग है उन छह वेदांगों का क्रम पूर्वक नामोल्लेख प्राप्यते, माने कहां प्राप्त होता है, ठीक है। यजुर्वेद संहिता में, यजुर्वेद संहिता में प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण की शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है, कि ऐतरेय आरण्यक में अथवा मुंडको उपनिषद में, ठीक है। तो प्रश्न आपके सामने है, इसका सही सही उत्तर आपको बताना है, ठीक है। तो सर्वप्रथम वेदांगा नाम क्रम पूर्वकम नामोल्लेख प्राप्यते, इसका सही आंसर क्या होगा? चार नंबर इसका सही आंसर होगा मुंडको उपनिषद, ठीक है। मुंडको उपनिषद में वेदांगों का वर्णन परा और अपरा विद्या के अंतर्गत प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए पुनः एक प्रश्न और है कि अधोलिखतेषु नास्तिक दर्शनम विद्यते, ठीक है, क्या है? तो नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं? नास्तिक दर्शन आप सभी लोग जानते हैं कि नास्तिक दर्शन क्या है, ठीक है। प्रश्न आपके पास है कि हाँ, प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि अधोलिखतेषु नास्तिक दर्शनम विद्यते, माने नास्तिक दर्शन क्या है। इनमें से जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से नास्तिक दर्शन कौन है? तो सबसे पहले ये जानिए कि छह आस्तिक दर्शन है, ठीक है, छह आस्तिक दर्शन है और तीन नास्तिक दर्शन है, ठीक है। छह आस्तिक दर्शन हो गए और तीन कितने हैं? तीन नास्तिक दर्शन है, ठीक है, तीन नास्तिक दर्शन है, तीन जो है वो नास्तिक दर्शन है, ठीक है। अब छह आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं, तीन नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? तो यदि आपको छयो याद करना पड़े या तीन याद करना पड़े, तो इसमें सबसे आसान है तीन वाला, कि तीन को याद कर लीजिए कि ये तीन नास्तिक हैं, इसके बाद जितने भी होंगे दर्शन वो सब आस्तिक दर्शन है। अच्छा, आस्तिक और नास्तिक दर्शन का आधार क्या है? तो कहते हैं कि जो वेद की सत्ता को माने, ठीक है, जो वेद को माने वह आस्तिक है, और जो वेद की सत्ता को ना माने
वह नास्तिक दर्शन है। ठीक है, माने नास्तिको वेद निंदकः, कहा गया है कि नास्तिको वेद निंदकः, जो नास्तिक है वो वेदों की निंदा करते हैं, वेदों की निंदा करने वालों को नास्तिक कहा गया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम लोग के यहाँ लौकिक विचार में क्या है कि जो ईश्वर को माने वह आस्तिक है, जो ईश्वर को ना माने वह नास्तिक है। लेकिन इसमें क्या है कि जो वेद की सत्ता को प्रमाण रूप में, प्रामाणिक रूप में मानता है, जो वेद की सत्ता को मानता है वह आस्तिक है, और जो वेदों को नहीं मानता वो क्या है, नास्तिक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं आगे कि क्या है, जो तीन नास्तिक दर्शन है, तीन नास्तिक दर्शन में क्या है, तो पहले में आते हैं जैन, ठीक है, दूसरे में आते हैं बौद्ध, ठीक है, जैन बौद्ध, और तीसरा है चार्वाक। क्या है, चार्वाक। ठीक है, ये आपके तीन नास्तिक दर्शन है, ये तीन आपके नास्तिक दर्शन है। ठीक है, ये जो तीन है, ये तीन आपके नास्तिक दर्शन के अंतर्गत में आते हैं। तो अब छह आस्तिक दर्शन में क्या है, तो सांख्य है, योग है, न्याय है, मीमांसा है, वैशेषिक है, ये छह आस्तिक दर्शन है। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं सांख्य। ठीक है, ये जो छह आस्तिक दर्शन है उसमें लिखते हैं सांख्य, सांख्य वैशेषिक। ठीक है, सांख्य वैशेषिक, सांख्य योग न्याय वैशेषिक है, सांख्य है, फिर योग है, फिर न्याय है, फिर वैशेषिक है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा, मीमांसा और वेदांत। ठीक है, ये आपके छह, एक दो तीन चार पांच छह, ये आपके छह आस्तिक दर्शन हो गए। छह आस्तिक दर्शन जो छह हैं वो कौन कौन से हैं, तो सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को ही वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके छह आस्तिक दर्शन हो गए। और तीन नास्तिक दर्शन क्या है, तो नास्तिक दर्शन में आपका जैन, बौद्ध और चार्वाक, ये आपके तीन नास्तिक दर्शन हो गए। ये तीन जो नास्तिक दर्शन है, ये वेद की सत्ता को प्रामाणिक रूप में नहीं मानते हैं, वेदों को नहीं मानते हैं। ठीक है, अच्छा, अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमको देखना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा था। तो अधो लिखतेषु नास्तिक दर्शनम विद्यते, माने इनमें से कौन सा नास्तिक दर्शन है। तो सबसे पहले देखिए वैशेषिक दर्शन दिख रहा है, वैशेषिक। ठीक है, तो इसमें से वैशेषिक दर्शन है नहीं, वैशेषिक दर्शन यहाँ पे है। ठीक है, तो माने यह तो आस्तिक दर्शन हो गया, ये नास्तिक है नहीं, ये आस्तिक दर्शन है। ठीक है, तो ये आपका आस्तिक दर्शन है, ये आपका आस्तिक दर्शन है, ये होगा नहीं, इसको काट दिए, ये होगा नहीं। वेदांत दर्शन, ठीक है, वेदांत माने वही उत्तर मीमांसा या वेदांत, वेदांत भी आपका आस्तिक दर्शन में है, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी काट दीजिए। फिर बचा आपका मीमांसा, मीमांसा भी आपका आस्तिक दर्शन में, ये भी नहीं होगा। बचा जैन दर्शन, तो अब नास्तिक दर्शन में देखिए पहले ही आया है जैन, तो जैन इसका सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि पूछ रहा है कि इनमें से नास्तिक दर्शन कौन, नास्तिक दर्शन कौन सा है। ठीक है सीताराम, तो नास्तिक दर्शन है आपका जैन दर्शन। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, तो इसका जैन दर्शन सही आंसर होगा। ठीक है, इसको हमने देखा। हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलने से पहले इसको क्लियर रूप में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न था कि अधो लिखतेषु नास्तिक दर्शनम विद्यते, इनमें से नास्तिक दर्शन कौन है, तो इसका जो दूसरा आंसर है जैन। ठीक है, जैन दर्शन नास्तिक दर्शन है, क्योंकि जैन, जैन बौद्ध और चार्वाक, ठीक है, ये आपके नास्तिक दर्शन है। क्यों, क्योंकि ये वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। अगले चला महा, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनाद एकं वधिकां मोहितम्। ठीक है, ये श्लोक बहुत ही प्रचलित है, आप सभी लोग जानते होंगे कि ये प्रश्न है। ठीक है, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनाद एकं वधिकां मोहितम्, माने
ये जो श्राप दिया गया है इस श्लोक के माध्यम से, एक श्राप है, वो श्राप किसके लिए है? तो ये कथा सभी लोग जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि के श्री मुख से अपने आप ही निकला, ठीक है, शोक श्लोकत्वम आगतः, जो शोक है वही शोक उद्गार के रूप में, श्राप के रूप में महर्षि वाल्मीकि के हृदय से वह व्यक्त हो गया, और वह एक छंद के रूप में आया। वो छंद क्या था? तो वह छंद था अनुष्टुप छंद, ठीक है, अनुष्टुप छंद में आया, और फिर उसके बाद से एक लौकिक महाकाव्य की रचना होती है, ठीक है। लौकिक महाकाव्य की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? तो रामायण से होती है, ठीक है ना, रामायण से। किससे होती है? तो रामायण से, ठीक है। खैर, हम लोग प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या है कि मानसाद प्रतिष्ठां तंगमः शास्वती समा यद क्रौंच मिथुनादेकं मुधि काम मोहितम्। कस्य ग्रंथस्य अयम प्रथमः श्लोकः, माने ये किस ग्रंथ का पहला श्लोक है? आपको बताना है कि ये जो श्लोक आया है ये किस ग्रंथ का श्लोक है, ठीक है। महाभारत का है, रघुवंशम का है, अथवा रामायण का है, अथवा विष्णु पुराण का है, ठीक है। आपको बताना है ये जो श्लोक है ये किस ग्रंथ से आया है। सामान्य सी बात है, इसको सभी लोग जानते हैं कि ये किस से आया है, तो यह रामायण से आया है, ठीक है, ये रामायण से आया है, ठीक है। अब प्रश्न एक पूछ लिया रामायण से, ये प्रश्न पूछ लिया है रामायण से, रामायण से अन्य संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं। हो सकता है पिछले वर्ष में जो गत वर्ष परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था कि रामायण जो है, ठीक है, इस रामायण की शैली क्या है, ठीक है, रामायण की शैली क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वैदर्भी शैली। क्या है? वैदर्भी शैली, ठीक है, ये वैदर्भी शैली में है, ठीक है। छंद इसमें क्या है रामायण में? तो छंद इसमें है अनुष्टुप छंद है। क्या है? अनुष्टुप, ठीक है, अनुष्टुप छंद है इसमें। किसमें? ये रामायण की चर्चा हो रही है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर रामायण होगा, और रामायण के बारे में और भी हम लोग थोड़ा जानते हैं तो उसमें इसकी शैली क्या होगी, ठीक है, रामायण की शैली, तो रामायण की शैली है वैदर्भी शैली, ठीक है, वैदर्भी रीति है। छंद इसमें है अनुष्टुप छंद। इसमें श्लोक कितने हैं? तो इसमें 24,000 श्लोक हैं, ठीक है, कितने हैं? 24,000 श्लोक हैं, ठीक है, 24,000 श्लोक इसमें है रामायण में। इसको चतुर्विंश शास्त्री भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछ ले कि चार ऑप्शन दे दे, इसी या यही ऑप्शन यही रहे, और इस श्लोक के जगह कह दे कि चतुर्विंश शास्त्री, ठीक है, चतुर्विंश शास्त्री किसका नाम है, क्या किसके बारे